दिल्ली सरकार ने भारी दबाव के बाद नई आबाकारी नीति को वापस ले लिया। केजरीवाल सरकार ने 1 अगस्त से दिल्ली में एक बार फिर पुरानी शराब नीति लागू करने की घोषणा की है। 31 जुलाई को नई आबाकारी नीति की मियाद पूरी हो रही है। ऐसे में 31 जुलाई के बाद नई शराब नीति के तहत खोली गई शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे में इन ठेकों पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। छूट की वजह से शराब के ठेकों पर भारी भीड़ लगी है। शराब के शौकीन लंबी कतारों में लगे हैं। कई ठेकों पर इतनी भीड़ है कि पुलिस तक बुलानी पड़ी है। लोगों का कहना है कि शराब में एक के साथ दो फ्री मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ लगी है। इसके साथ ही लोगों को लगता है कि जब तक पुरानी आबकारी नीति के तहत ठेके नहीं खोलते, तब तक शराब की दुकानें बंद रह सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने बीते वर्ष दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर थी। दिल्ली सरकार पर दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का आरोप लगाया जा रहा था। इस बीच उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई। फिलहाल पुरानी आबकारी नीति को 6 महीने के लिए लागू किया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।